प्रसाद शास्त्री प्रतिदिन की तरह लेकर आया हूँ आपका राशि और पंचांग जो चंद्र राशि पर आधारित है। जानते हैं आज का राशिफल और पंचांग। दोस्तों जय शंकर की, मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। जानते हैं आज का पंचांग और राशिफल। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज शुक्रवार 15 अप्रैल 2022 है। विक्रम संवत 2779, शक संवत 1944 शुभकृत। चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है जो रात्रि 2:25 तक रहेगी। तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सूर्योदय प्रातः 5:56 पर होगा। सूर्यास्त शाम को 6:47 पर होगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है जो प्रातः 9:25-35 तक रहेगा। तत्पश्चात हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। ध्रुव योग है जो प्रातः 7:56 तक रहेगा। तत्पश्चात व्याघ्यात योग प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य मेष राशि में विराजमान रहेंगे, चंद्रमा कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है। शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:27 से 5:11 तक रहेगा। प्रातः संध्या का समय 4:49 से 5:56 तक रहेगा। अभ्युत मुहूर्त दिन के 11:56 से 12:47 तक रहेगा। इस समय कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करेंगे वह निर्विघ्न संपन्न होंगे। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:21 तक रहेगा। अमृत काल का समय रात्रि 2:54 से 4:26 तक रहेगा। इस समय में भी शुभ कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। राहु काल का समय यानी अशुभ समय प्रातः 10:45 से 12:21 तक रहेगा। इस समय कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ ना करें। हट्ट बसित कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करेंगे आपके कार्य में दिक्कतें और कठिनाइयां आएंगी। हो सकता है आपका कार्य सफल न हो, इसलिए इस समय को टालें, शुभ समय का इंतजार करें। जानते हैं आज का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले जानते हैं प्रथम राशि मेष राशि की जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला। आज महिलाएं अपने आभूषण संभाल कर रखें, चोरी जा सकता है या खो सकता है। मायके पर से शुभ समाचार मिलेंगे। पड़ोसी महिला से विवाद की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। चलना संभल कर दाहिने पैर में चोट लगने के लक्षण दिख रहे हैं। जानते हैं अगली राशि वृषभ राशि की जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज बीमार व्यक्तियों को स्वास्थ्य लाभ होगा। दोपहर के बाद किसी नए कार्य को प्रारंभ करने का मन बना रहे हों तो दिन के तीसरे पहर से प्रारंभ करें, लाभ होगा। शिव जी की पूजा आराधना करना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। जानते हैं अगली राशि मिथुन राशि की जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला। आज व्यवसायिक व्यक्तियों के लिए दिन उत्तम कहा जा सकता है। अपने भेदों को गुप्त रखें। रखी हुई नई वस्तु खरीदने का मन नई वस्तु कोई खरीदने का मन बना रहे हों तो अवश्य खरीदें, लाभ मिलेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ही आज फायदेमंद साबित होगा। जानते हैं अगली राशि कर्क राशि की जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आपको मित्रों की वजह से किसी अनावश्यक झंझट में फंसना पड़ सकता है। अपना पूरी तरह से ख्याल रखें। स्वास्थ्य खराब होने के योग दिख रहे हैं। जानते हैं अगली राशि सिंह राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आपका दिन शुभ फलदायी कहा जा सकता है। सोचे हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। बीमार व्यक्तियों का स्वास्थ्य लाभ होगा। रुके हुए कार्यों में रुकावटें समाप्त होंगी। अपना कार्य स्वयं पर निर्भर रखें, बेहतर होगा। जानते हैं अगली राशि कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला। आज अपना पाकर संभाल कर रखें। धन चोरी जा सकता है या खो सकता है। आपकी सुबह ताजगी पूर्ण रहेगी।
दिन मिश्रित फलदायी कहा जा सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें, लंबी यात्राएं करने का प्रयास न करें, चोट लगने की आशंका बनी हुई है, इसलिए पूरी तरह से सावधानी बनाए रखें। जानते हैं अगली राशि तुला राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला। आज विरोधी परास्त होंगे, माता पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ध्यान देने की जरूरत बनाए रखें। पत्नी या संतान के कारण पड़ोसियों से विवाद की संभावनाएं प्रबल हैं। ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिलने के योग बने हुए हैं। जानते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला। आज धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी, ऊंचाई से चढ़ना उतरना पूर्ण सावधानी से, गिरकर चोट लगने की संभावना बनी हुई है। छोटे बच्चों को आज अपने माता पिता का पूर्ण प्यार प्राप्त होगा। जानते हैं अगली राशि धनु राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज सोच समझकर किसी की मदद करें, स्वयं का नुकसान हो सकता है। समय की स्थिति बहुत ही उलट पुलट जैसी चल रही है, किसी भी कार्य को बहुत ही जल्दबाजी से करना उचित नहीं होगा। अपने से छोटों का ध्यान रखने की आवश्यकता बनाए रखें। जानते हैं अगली राशि मकर राशि की जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज उत्तर या पश्चिम दिशा की यात्राएं आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। लोहे की वस्तुएं खरीदना फायदेमंद होगा, मौत शोक के पीछे यात्राएं कर सकते हैं। जानते हैं अगली राशि कुंभ राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला। आज पति पत्नी के बीच अधिक मात्रा में कलह हो सकती है, संयम बरतने की आवश्यकता बनाए रखें। आज किसी को ज़्यादा धन उधार देना नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, इसलिए आज ज़्यादा धन किसी को उधार बिल्कुल न दें। जानते हैं अगली राशि यानी अंतिम राशि मीन राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला। आज धार्मिक कार्यों में धन अधिक खर्च हो सकता है, दौड़ धूप अधिक मात्रा में करनी पड़ सकती है, घरेलू कार्यों के पीछे भी धन खर्च होने के योग बने हुए हैं। सोचे हुए कार्यों में सफलता मिलेगी, किसी का सहयोग लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। दोस्तों ज्योतिष परामर्श के लिए संपर्क करें रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी से 94-53-555-111 पर प्रत्येक दिन रात्रि 10 बजे से 12 बजे तक निःशुल्क। आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें, आइकन बेल दबाना बिल्कुल न भूलें। जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताज़ी खबरें। ज्योतिष परामर्श के लिए संपर्क करें रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी से 94-53-555-111 पर प्रत्येक दिन।